नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं मनरेगा मिट के बारे में। मनरेगा मिट और मनरेगा श्रमिकों के मानदेय के बारे में एक बेहतरीन अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बारे में बताया था कि 1 नवंबर या दीपावली से पहले सभी संविदा कर्मियों, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों के खाते में दिवाली बोनस के साथ उनका मानदेय पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज कुछ एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। इस खबर को जानकर आप थोड़े से डर जाएंगे, लेकिन आप उम्मीद मानिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस वीडियो में हर एक पहलू आपके क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या अब मनरेगा मिट और मनरेगा श्रमिकों का मानदेय नहीं मिलेगा? नंबर दो, सरकारी घोषणाएं जिसके द्वारा 1 नवंबर से पहले मानदेय दिए जाने की बात कही गई थी, उसका क्या होगा? क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा श्रमिकों और मनरेगा मिटों के लिए मानदेय का प्रबंध करेगी? नंबर तीन, मनरेगा जिनकी नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में हुई है उनका क्या होगा? इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोग हर एक चीज़ को एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और मैं बात कर रहा हूँ मनरेगा के बारे में। कंगाली के कगार पर मनरेगा, खजाने में नहीं बचा पैसा, बजट का 90% खत्म हो चुका है, अभी भी 5 महीने शेष बचे हैं। दोस्तों, ये खबर अमर उजाला न्यूज़पेपर में छपी हुई है। इस न्यूज़पेपर के बिहाव पे मैं आपको कुछ एक अपडेट देने जा रहा हूँ। देश की मनरेगा योजना के खजाने में अब रुपये नहीं बचे हैं। आवंटित बजट का लगभग 90% अब तक उपयोग किया जा चुका है, जबकि कार्यक्रम के 5 महीने अभी भी शेष हैं। देश के गाँव में रोजगार के लिए लाइफ लाइन कहीं जाने वाली महात्मा गांधी राज्य रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की दिवाली इस बार फीकी रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की मनरेगा योजना के खजाने में अब रुपए नहीं बचे हैं, जिससे 21 राज्यों में काम कर रहे मजदूरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सरकार कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी और सामग्री भुगतान के लिए धन जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा है कि जब भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, वित्त मंत्रालय से इसे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आवंटित बजट का लगभग 90% खत्म हो चुका है, 5 महीने अभी भी शेष हैं इस फाइनेंशियल ईयर को पूरा करने में। उधर पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी PAEG कार्यकारी समूह के सदस्य निखिल डे ने कहा है कि कोरोना महामारी के साथ साथ लॉकडाउन की वजह से देश भर के श्रमिकों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। पिछले साल पहली लहर के दौरान लाखों ग्रामीण गरीबों ने मनरेगा की ओर रुख किया, क्योंकि यह बुनियादी आय सुरक्षा का एकमात्र स्रोत था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल लगभग 7.25 करोड़ परिवारों को इसके तहत काम दिया गया था। नरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS के आंकड़े के आधार पर विवरण साझा करते हुए डे ने कहा है कि इस वर्ष के लिए आवंटित बजट का लगभग 90% अब तक उपयोग किया जा चुका है। कार्यक्रम के 5 महीने अभी भी शेष हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं वीडियो आपको एक सूचना देने के माध्यम से बनाया हूं। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको कुछ एक गुड न्यूज़, कुछ एक अच्छा समाचार भी मिलने वाला है। 2020-21 का बजट सिर्फ 73,000 करोड़ रुपये का था, हालांकि योजना का 2021-22 का बजट सिर्फ 73,000 करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया था। केंद्र ने तर्क दिया कि देशव्यापी लॉकडाउन समाप्त हो गया था और अगर पैसा खत्म हो गया तो अनुपूरक बजटीय आवंटन उपलब्ध होगा। 29 अक्टूबर देय भुगतान सहित कुल व्यय पहले ही 79,810 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जिसे योजना संकट में आ गई। पहले से ही 21 राज्यों ने नकारात्मक शुद्ध संतुलन दिखाया था, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे खराब स्थिति में है। पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र ने आवंटन को 61,500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन से संशोधित कर 1,11,000 करोड़ रुपए कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए संजीवनी साबित हुई थी मनरेगा योजना। मनरेगा एक मात्र आधारित योजना है जो किसी भी ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की अकुशल काम की गारंटी देता है। पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान इस योजना को
1.11 लाख करोड़ रुपए का उच्चतम बजट दिया गया था, यानी 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट दिया गया था, और रिकॉर्ड 11 करोड़ श्रमिकों के लिए यह महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान की गई है। राजस्थान में भी श्रमिकों के भुगतान का 106 करोड़ रुपए बकाया है। दिवाली के 4 दिन बचे हैं और 64,000 श्रमिकों के भुगतान का 106 करोड़ रुपए बाकी है। वहीं मटेरियल मद में भी लगभग 82 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। दोनों का करीब 1 अरब 90 करोड़ रुपए का भुगतान बजट के अभाव में अटका हुआ है। तो दोस्तों, जितने भी मनरेगा मिट हैं या फिर मनरेगा श्रमिक हैं, उन लोगों पर ये एक गहन छाया आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से माननीय उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिया गया है, ट्वीट किया गया है कि 1 नवंबर या 4 नवंबर से पहले, यानी दीपावली से पहले पहले जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी और संविदा कर्मी हैं, उनके खाते में उनका मानदेय जो भी बकाया है 1-1 रुपये पहुंच जाना चाहिए। बाकी भारत सरकार के द्वारा जो भी सूचनाएं जारी होती हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समय समय पर आप लोग तक अपडेट करता रहता हूं। जितने भी राज्यों की बातें आती हैं, चाहे राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या कोई भी राज्य हो, उन सभी राज्यों में जो भी सूचना आती है, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बताता रहता हूं। बाकी मनरेगा मिट और मनरेगा श्रमिकों का जहां तक बात है, आने वाले समय में किस तरीके से आपके प्रतिपूर्ति सरकार करेगी, ये देखने लायक होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मनरेगा मिट और मनरेगा श्रमिकों के मानदेय के बारे में बताया है। देखते हैं आगे क्या होता है। बस आप अगर इस तरीके का समाचार आप न्यूज देखना चाहते तो आप मेरे इस चैनल पर जरूर जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर मैं समय समय पर अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।